सिर्फ हिंदी टेलीविजन ही नहीं दोस्तों, बल्कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी रुबीना दिलैक कर रही हैं राज। और इस राज की सबसे बड़ी वजह क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। लेकिन आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से रुबीना दिलैक ने बड़े बड़े सिंगर्स को, जैसे कि हार्डी सिंधु ले लीजिए, जानी जी ले लीजिए, नेहा कक्कड़ ले लीजिए, या फिर अगर बात करें दोस्तों जस्सी गिल ले लीजिए, सिमर कौर ले लीजिए, इन सबको पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, क्या है माजरा सुनिए बात ध्यान से। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर देना। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मौजूद हूं मैं, तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, रुबीना दिलैक ने अपनी रिसेंटली एक स्टोरी शेयर करी है और इस स्टोरी में उन्होंने लिखा है #गलत ऑन टॉप @ MTV बीट्स। पंजाबी बीट्स टॉप 10 की अगर बात करें दोस्तों तो नंबर 1 पर गलत सॉन्ग है। जी हाँ, गलत। रुबीना दिलैक और असीस कौर पारस छाबरा का ये सॉन्ग जो कि VYRL ओरिजिनल्स पे रिलीज हुआ है दोस्तों। ये MTV बीट्स है, ये सर्वे होता है बेसिकली, और इसी मतलब कौन किस गाने को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है वो आगे आ जाता है, फिर उसके बाद पीछे रह जाता है। तो नंबर 10 से अगर बात करें तो नंबर 10 पर है पंजाबी बीट्स में, नंबर 10 पर है वैकेशन सॉन्ग जो कि निर्वैर पन्नू का सॉन्ग है। फिर उसके बाद 9th पर है माई लेडी जो कि रिश का सॉन्ग है। फिर उसके बाद 8th पर है नेहू द व्याह जो कि नेहा कक्कड़ का सॉन्ग है। 7th नंबर पर है दोस्तों माहिया पाव धारिया का सॉन्ग है। फिर उसके बाद 6th जो है फरार, वो कुल का सॉन्ग है। 5th पर है मॉडर्न रांचना जो कि सिंगस्टा का सॉन्ग है दोस्तों, माफी चाहूंगा अगर मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया हो तो। 4th पर है तितलियां वर्गा जो कि वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है हार्डी संधु भाई का और जानी जी का, और ये 4th नंबर पर है। एंड 3rd पर है ओए होए होए जस्सी गिल एंड सिमर कौर का सॉन्ग है। 2nd पर है बाज रे द सिट्टा जिस पर असंख्य तरीके से इंस्टाग्राम रील्स आ रही हैं, और 1st पे ऑफ कोर्स असीस कौर का गलत गलत। सो दोस्तों, आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में, इसके बारे में मुझे जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, चलता हूँ।